जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास टेंथ हाल पी एरी एग्जामिनेशन 2022-23 इंग्लिश का पेपर। दोस्तों आपका जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले। यहाँ पर देख दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का, और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन ए से रीडिंग। क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से दोस्तों आपको यहां पर राइट ऑप्शन चार्ट का लिखना है। इसका आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना, दोस्तों यहाँ पर डिसाइड का दोस्तों यहाँ पर नाउन बताना है, ठीक है। दोस्तों आपको इसका आंसर भी इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है। इसका आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आपके 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 2 में यहाँ पर दोस्तों एक पेसेज दिया है, ठीक है। इस पेसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट का लिखना है। इसका आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है, ठीक है। दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लिया, इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। चौथे के बाद दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन देख लिया, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। इंडियन से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिससे आपके 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी से राइटिंग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला है। इसमें क्या करना है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको इस पेसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों इस पेसेज के नीचे आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए आपका दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर नोट्स बनाना है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर गिव ए सुटेबल टाइटल टू, मतलब दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन में इस पेसेज का आपको टाइटल देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका इस पेसेज का आपका टाइटल हो जाएगा दोस्तों, आपका यहां पर यहां से लेकर यहां तक आपका दोस्तों इस पेसेज का टाइटल हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स दोस्तों यहां पर पॉइंट वाइज बनाना है, ठीक है। 1.1, 1.2 इस तरह से आपको यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर दोस्तों नोट्स बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, यू आर पल्लवी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट हाई स्कूल होशंगाबाद MP, राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 डेज सिक लीव। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 दिन के लिए दोस्तों यहाँ पर सिक लीव की दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा आपके प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, दोस्तों आपको क्वेश्चन 5 में किसी एक टॉपिक पर दोस्तों आपको एक निबंध लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना, किसी एक टॉपिक पर एक निबंध, ठीक है, जिससे 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहां पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, दोस्तों आपको क्वेश्चन 6 में एक पिक्चर दी है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इंपोर्टेंट ऑफ टीज के बारे में दोस्तों आपको शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका सेक्शन सी से ग्रामर पूछा है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5।
दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों छह, दोस्तों यहाँ पर छह खालतन देव है। इनमें आपको क्या करना दोस्तों, पहले में आपको दोस्तों शुड कैन कोड का प्रयोग करना है, तीसरे में दोस्तों यहाँ पर इफ अनलेस शुड का प्रयोग करना है, दोस्तों यहाँ पर तीसरे में दोस्तों आपका सम और एनी का प्रयोग करना है, और दोस्तों यहाँ पर चौथे में दोस्तों यहाँ पर नीड माय यूज्ड का प्रयोग करना है, और पांचवें दोस्तों आपका एंड का प्रयोग करना है, और छठे में दोस्तों आपका फ्रॉम टू देन का प्रयोग करना है। ठीक है, इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आपके पांच नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको छह क्वेश्चन में आपको पांच क्वेश्चनों के जवाब देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन में एट पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन में एट भी दोस्तों आपकी परीक्षा में पांच नंबर का आने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, डू अस डायरेक्ट एनी फाइव। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में छह क्वेश्चन दिए, छह में सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर पांच क्वेश्चनों के आंसर याद करना है। पहले में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले में आपको दोस्तों इस सेंटेंस को यहाँ पर चेंज इन टू नेगेटिव में परिवर्तन करना है, दूसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर बी का उज का प्रयोग करना है, तीसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों आपको अनलेस के स्थान पर यहाँ पर इफ का प्रयोग करना है, और दोस्तों चौथे में आपको दोस्तों यहाँ पर सो डेट का प्रयोग करना है, और पांचवें दोस्तों आपको यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। दोस्तों आपको यहाँ पर हु का यहाँ पर दोस्तों कंबाइन करना है, हु से आपको दोस्तों इस सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है, और दोस्तों छठे में आपको दोस्तों यहाँ पर चेंज द सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस। दोस्तों आपको इस सेंटेंस को यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सेक्शन डी से यहाँ पर टेक्स्ट बुक से पूछे है। ठीक है, क्वेश्चन नाइन देख लीजिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों आपको यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्ट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट जो सही है दोस्तों उसका चयन करके आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट मिल जाएंगे, जिससे चार नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन टेन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन टेन का ए वाला दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, या दोस्तों क्वेश्चन टेन का ए वाला दिया दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे तीन क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, पहले के बाद दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरे क्वेश्चन दिया। इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन टेन का बी वाला दिया दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन में यहां पर पूछा दोस्तों कि दी गई जो पोएम की लाइन दोस्तों किस पोएम से ली गई है आपको बताना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन यहां पर दिया दोस्तों, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इनके आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं के रियल पेपर इसके साथ ही दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 11 देख लीजिए, क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी सिक्स। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पर सात क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर छह क्वेश्चनों का जवाब देना है परीक्षा में। ठीक है, तो इनके आंसर भी दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आपका यहाँ पर 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 12 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी टू। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिए हुए, तीनों में सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन के जवाब देना है परीक्षा में। ठीक है, तो इनके आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 13 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी टू। दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दोस्तों तीन क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन के जवाब देना है परीक्षा में। ठीक है, इनके आंसर भी आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन 14 में क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना है 75 शब्दों में, 75 वर्ड में दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, दोस्तों आपको इनके आंसर भी इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 15 देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 15 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों आपको यहां पर देख लीजिए, दो क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, इनके आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन में 16 देख लीजिए, यहां पर दिए दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है दोस्तों, जिससे आप 3 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं का तो आदिवासी परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन अब आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर आप इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन फर्स्ट में दोस्तों आपको एक पेसेज दिया गया था जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। तो इस दोस्तों पहले में आपका सी वाला आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों तीसरे में दोस्तों आपका बी वाला आ जाएगा और चौथे में दोस्तों आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। चौथे के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पांचवें दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन टू के दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन टू में भी आपको एक पेसेज पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका बी वाला आएगा, दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला आएगा, दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे में दोस्तों आपका सी वाला आएगा, और दोस्तों यहाँ पर चौथे में दोस्तों आपका बी वाला आएगा, और पांचवें दोस्तों आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन थ्री का आंसर देख लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेसेज पूछा गया था, जिसमें आपको टाइटल और नोट्स लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आपको किस तरह से टाइटल और नोट्स लिखना यहाँ पर देख लिया है आपको दोस्तों, यहाँ पर इसका टाइटल यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। टाइटल के बाद दोस्तों आपको नोट्स किस तरह से लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से आपको दोस्तों परीक्षा में नोट्स बनाकर लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर नोट्स बनाकर लिखना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फोर पूछा है। क्वेश्चन फोर में आपको दोस्तों एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है, सिक लीव के, ठीक है, 3 दिन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है, मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करना, दोस्तों इसको इस एप्लीकेशन को अच्छे से याद कर लेना, जो आप देख लें दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आप दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी कक्षाओं के दोस्तों रियल पेपर मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन फाइव का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों इसका और वाला का भी आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका और वाले का भी आंसर का है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन सिक्स के आप आंसर देख लीजिए, और क्वेश्चन फाइव का आंसर तो आपको आपकी बुक से देकर याद कर लेना है। उसमें आपको क्या करना दोस्तों, उस क्वेश्चन में आपको किसी एक टॉपिक पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। और अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन सिक्स के आप आंसर देख लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ दिएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका आगे का भी यहाँ पर दिया दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका आगे का भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका आगे का भी यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर 7 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक से मतलब दिए गए थे, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको यहां पर 6 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहां पर 5 क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले में आपको दोस्तों यहां पर कूड आएगा, दूसरे में दोस्तों आपका इप आ जाएगा, और तीसरे में दोस्तों आपका एनी आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका पर माय आ जाएगा, और दोस्तों पांचवें दोस्तों आपका दा आ जाएगा, और दोस्तों छठे में आपका देन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन में 8 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको डू अस डायरेक्टेड पूछे गए थे, एनी 5 दोस्तों पहले का आंसर यहाँ पर दिया है, पहले के बाद दोस्तों आपका दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया, दूसरे के बाद दोस्तों तीसरे का आंसर दिया है, और चौथे का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। चौथे के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 5 और 6 का यहाँ पर आंसर दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 का आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन 9 का आंसर दिया, पहले का पहले में दोस्तों आपका बी वाला जाएगा, सॉरी पहले में दोस्तों आपका ए वाला जाएगा, ठीक है, और दूसरे में दोस्तों आपका बी वाला, तीसरे में दोस्तों आपका ए वाला, और चौथे में दोस्तों आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 10 का यहाँ पर ए वाले के आंसर दिए हुए, तो पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका ए वाला, तीसरे में दोस्तों आपका बी वाला, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 के बी वाले के आंसर देख लीजिए, तो पहले में दोस्तों आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे में दोस्तों आपका सी वाला, और तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सीट पर यहाँ पर 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन के जवाब देना है परीक्षा में। तो यहाँ पहले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, दूसरे के यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, दूसरे के बाद दोस्तों आपका तीसरे का दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आप इसको भी अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर चौथे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया और पांचवें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। पांचवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, आपका दोस्तों इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों एक जो 6ठा क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको आपकी बुक से देकर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों 12 का आंसर देख लीजिए,
यहाँ पर सिर्फ दोस्तों दो क्वेश्चन का आंसर याद करना है। तो पहले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया, दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन 13 का दोस्तों पहले का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 14 का आंसर देख लीजिए, तो क्वेश्चन 14 का पहले का आंसर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से लेकर दोस्तों यहां तक आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पर दोस्तों क्वेश्चन 14 के आगे का भी यहां पर दिया, इसका भी आप अच्छे से इसको लेकर याद कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहां पर देख लो तो क्वेश्चन 15 का मैं आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन 15 का दोस्तों पहले का आंसर दिया आपको दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन भी मिल जाएगा यहां पर साथ में, और इसका आंसर भी यहां पर दिया, इसको अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन 15 का दोस्तों इसका और वाले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आपको इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लिए। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। दोस्तों ये आपके पर कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।